नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं शशि मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप टेन क्वेश्चन दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे और दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे एक बात और दोस्तों मैं बता दू दोस्तों मैं अनअकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ दोस्तों आप अन का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरे नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मेरी सारी वीडियो को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के टॉप टेन क्वेश्चन देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे सेकेंडो में मैं आपको बता रहा हूं देखिए प्रश्न पढ़िए पहले कह रहे हैं इकतीस दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के सोलहवें दिन कौन सा वार होगा तो दोस्तों कोई महीना है मान लीजिए जनवरी है इकतीस दिन का है और अंतिम दिन यानी कि इकतीस तारीख को क्या पढ़ रहा है दोस्तों मंगलवार पढ़ रहा है तो पूछ रहा है सोलहवें दिन यानी 16 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा तो ये बताने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों ये बस दिमाग में रखना है इकतीस को क्या है दोस्तों मंगलवार है तो दोस्तों अब इसमें से हम क्या करेंगे? सात दिन घटा देंगे सात दिन घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा चौबीस चौबीस को भी क्या पड़ेगा मंगलवार पड़ेगा चौबीस में से भी हम क्या करेंगे दोस्तों सात दिन घटा देंगे चौबीस में से सात घटा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा सत्रह सत्रह को भी दोस्तों क्या हो जाएगा मंगलवार लेकिन पूछ प्रश्न में क्या रहा है सोलहवें दिन क्या होगा यानी कि सोलह तारीख को सत्रह को दोस्तों मंगलवार पड़ रहा है तो सोलह इसके पहले आएगा तो सोलह को क्या पड़ेगा दोस्तों सत्रह को मंगलवार है तो सोलह को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार so सोमवार so किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपका डी तो तो साथ, -साथ, आप जोड़ तो आप साथ जोड़ेंगे तो आपका आंसर आने लगेगा ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्न आए तो दोस्तों आप पैसे सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा आपको एक दो तीन चार शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं लिखना है साथ साथ बस क्या करना है टा लेना है आपका आंसर आ जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न क्या कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें यह एक श्रृंखला है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद गलत है तो दोस्तों कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो हम पहले क्या करते हैं संख्याओं को ध्यान से देखते हैं संख्याओं को अगर जो ध्यान से देखें दोस्तों है चार सौ पांच सौ बहत्तर चार सौ सत्ताइस छह सौ इकहत्तर और दो सौ चौसठ तो संख्याएं दोस्तों ज्यादा कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही है एक समान संख्या अगर जो वृद्धि कर रही है तब तो हम उसका अंतर देखते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों तीन सौ से यहाँ चार सौ हुआ चार सौ से पांच सौ फिर तीन सौ हो गया फिर चार सौ हुआ फिर छह सौ फिर 600 के बाद 200 हो जा रहा है तो यानी कि एक समान संख्याएं ना बढ़ रही हैं ना घट रही हैं तब तो हम क्या करेंगे दोस्तों संख्याओं को जब ध्यान से देखेंगे तो उसी में उसका आंसर भी छिपा रहता है तो दोस्तों अगर हम तीन और पांच को जोड़े पहले में देखिए 385 में तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा बीच वाला संख्या है ना 8 दूसरे वाले में देखें चार और दो को दोस्तों जोड़े तो क्या जाएगा? आ जाएगा छः आ रहा है ना बस अब आपको सीरीज पता चल गई कि कैसे चल रही है और तीसरे में देखेंगे पांच और दो पांच और दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों सात जो कि आपका बीच में दिया हुआ है तीन और छः को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा नौ जो कि यहाँ बीच में दिया हुआ है और चार और दोस्तों चार और सात को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों ग्यारह होगा ग्यारह इसके बीच में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दो दिया हुआ है तो पहले अभी रोकते हैं और आगे भी संख्या देख लेते हैं छे और एक को जोड़ेंगे सात बीच में है दिया हुआ है दो और चार को जोड़ेंगे छह बीच में है दिया हुआ है यानी क्या कर रहा है पहले और आखिरी संख्याओं को जोड़ रहा है बीच वाली संख्या आ जा रहा है लेकिन ये वाली किसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसमें चार सौ सत्ताईस में, में फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि चार और सात को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों ग्यारह होगा लेकिन बीच में क्या लिखा है दो लिखा है तो इसमें दोस्तों गलत पद कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चार सौ सत्ताइस ये गलत पद है तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है इसलिए इस प्रश्न को बताया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको मैं आसान तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है प्रश्न है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें तो देखिए उपयुक्त सेट का चयन करना है चार ऑप्शन दिया गया है चार ऑप्शन में आपका सिंबल दिया हुआ है गुणे का माइनस का भागे का ये चीज है ना सभी ऑप्शन में ऐसे है और इन्हीं ऑप्शन में से आपको यहाँ पे रखना है बहत्तर आठ पाँच और चार के बीच क्या रख दे कि बराबर में उनचास आ जाए ठीक है तो इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा नहीं सोचना है क्यों ज्यादा नहीं सोचना है आप लोग क्या करते हैं पहला ऑप्शन रखते हैं फिर दूसरा रखते हैं तीसरा रखते हैं चौथा रखते हैं देखते हैं किस में सेट करता है लेकिन आपको एक ही ऑप्शन रखना है वो सेट कर जाए तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों तो हम उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो भाग का सिंबल होता है भाग का जो होता है ना उसी को हम देखेंगे तो भाग वाला कहाँ है पहले में देखेंगे दोस्तों लास्ट में तो दोस्तों अगर जो हम यहाँ पाँच भागे चार कर दे तो ये संभव होगा नहीं होगा पॉइंट में आने लगेगा तो पहला ऑप्शन यहीं पे आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है भाग के पहले गुणा रहता है ना तब तो ये थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ सकता है लेकिन नहीं है भाग के पहले हाँ माइनस है तो पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों बीच में भागे है तो बीच में भागे है यानी कि आठ भागे पांच है ठीक है आठ भागे पांच है तो आठ में पांच से भाग करेंगे तो होगा नहीं होगा आठ में पांच से भाग नहीं जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर अब क्या देखेंगे तीसरा देखेंगे भाग वाला सिंबल कहाँ है लास्ट में तो यानी कि फिर से वहीं पर आ रहा है पांच भागे चार पांच में चार से भाग जाएगा नहीं जाएगा ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया बचा लास्ट वाला ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा लेकिन इसको मैं करके भी बता दे रहा हूं भाग वाला सिंबल कहां है पहले है पे है तो बहत्तर भागे आठ अब आठ से दोस्तों बहत्तर में भाग जाएगा आप कहेंगे हाँ आठ नवा बहत्तर ये तो चला जाएगा तो ये चला जाएगा तो हम इसी ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करेंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा और नहीं चेक करते हैं तब भी आपका ये वाला आंसर सही हो जाता है लेकिन चेक करके बता दे रहे हैं दोस्तों आप रखेंगे बहत्तर भाग्य उसके बाद क्या है आठ उसके बाद दोस्तों यहां गुणे का सिंबल है तो गुणे लिख लेंगे उसके बाद से क्या है दोस्तों पांच है फिर लास्ट में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे उसके बाद से दोस्तों चार है उसके बाद बराबर क्या लिखा है फोर्टी नाइन यानी कि उनचास अगर जो हम भाग करें बहत्तर में आठ से तो क्या आ जाएगा नौ नौ गुणे पांच प्लस चार ठीक है बराबर क्या होना चाहिए उनचास होना चाहिए तो नौ पच्चे पैंतालीस और चार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उनचास तो क्या आ रहा है दोस्तों उनचास बराबर उनचास आ जा रहा है किस ऑप्शन को रखने पे ऑप्शन नंबर डी को तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बोर्ड मास नियम में क्या करते हैं इसको बोर्ड मास नियम में ही सॉल्व करेंगे पहले भाग करते हैं उसके बाद गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं ठीक है तो ये वाला बोडमास नियम है इस टाइप से ही आप सॉल्व करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा तो इसमें दोस्तों आपको क्या समझ में आया कि पहले आप क्या करेंगे भाग वाला सिंबल रखेंगे किस ऑप्शन में रखेंगे जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वही आपका आंसर सही होता है ठीक है तो उसके लिए हम देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों दिखा है लिखा है पचास का संबंध जो पैंसठ से है वही

प्लस वन है क्या है सात सत्तर उनचास एक पचास और ये पैंसठ है किसके करीब है ये भी चौसठ के करीब है आठ का स्क्वायर प्लस वन क्या किया दोस्तों सात से आठ कर दिया है और प्लस वन कर दिया ठीक है यहां पे भी सात के स्क्वायर प्लस वन आठ के स्क्वायर प्लस वन और दोस्तों ये एक सौ एक है ये किसका स्क्वायर है दस का स्क्वायर है प्लस वन है अब आगे दोस्तों क्या हो जाएगा एगारह का स्क्वायर प्लस वन यानी कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा का प्लस वन. का स्क्वायर स्क्वायर प्लस कितना होता है, 121 हो है. 121 एक सौ इक्कीस होता है एक सौ इक्कीस बाईस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा एक सौ बाईस एक सौ बाईस किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस टाइप के प्रश्न है दोस्तों तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे कभी कभी दोस्तों

त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को निरूपित करता है ठीक है तो प्रश्न क्या कह रहा है कौन सी संख्या युवा शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करती है तो प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा उल्टा है ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ना जो वृत्त है युवाओं को ये जो आपका वृत्त है यानी गोला है ये युवाओं को प्रदर्शित करता है और त्रिभुज क्या करता है अशिक्षित व्यक्तियों को ये जो दोस्तों ट्रैंगल आपको दिख रहा है त्रिभुज ये क्या करता है अशिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है और आयत कर रहे हैं रोजगार में लगे व्यक्तियों को जो ये आयत आपका है ये किसे प्रदर्शित करता है रोजगार में लगे व्यक्तियों को लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कौन सी संख्या युवा शिक्षित ठीक है लेकिन देखिए आप यहां पे देखेंगे दोस्तों जो त्रिभुज है अशिक्षित व्यक्तियों का है ठीक है लेकिन ये पूछ रहा है युवा शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्तियों को निरूपित करता है कौन सी संख्या ठीक है तो दोस्तों युवा पूछ रहा है शिक्षित तो शिक्षित तो ये त्रिभुज वाले क्या है ये अशिक्षित है शिक्षित नहीं है उसके बाद क्या पूछ रहा है बेरोजगार व्यक्तियों को और ये दोस्तों जो आयत में है ये क्या है रोजगार युक्त व्यक्ति हैं यानी कि रोजगार में लगे हुए हैं तो कौन से युवा होंगे जो शिक्षित होंगे और बेरोजगार होंगे ठीक है तो दोस्तों आयत वाले तो रोजगार वाले होंगे त्रिभुज वाले क्या हो गए अशिक्षित हो गए शिक्षित तो होंगे नहीं तो बचा क्या दोस्तों एक ही संख्या जो बच रहा है आप देख रहे होंगे वन वन क्या है दोस्तों एक मतलब क्या है युवा जो आपका शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर वन होगा वन किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न क्या कह रहा था संख्या युवा कौन सी संख्या युवा शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करती है यहां पे देखेंगे शिक्षित और बेरोजगार का कोई कालम नहीं है तो युवा का बस है क्योंकि त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों का है और आयत है रोजगार युक्त यानी कि रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों का है ये पूछ रहा है शिक्षित और बेरोजगार युवा तो एक ही जो है जो युवा है और शिक्षित भी है बेरोजगार भी है उसके बारे में चर्चा नहीं किया है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न क्या कह रहा है दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने प्रश्न आकृति ये है इसका दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज बताना है कि क्या होगा ये इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो मिरर देखेंगे कहाँ लगा हुआ है मिरर आपका यहां पे लगा हुआ है ना तो इसका मिरर मतलब क्या होता है डायरेक्ट उल्टा फिगर बनेगा ठीक है उल्टा फिगर कैसे बनेगा आपका ये जो आपका चतुर्भुज है चतुर्भुज तो ऐसे हो ही जाएगा और जो एरो का दोस्तों निशान है ना ये वाला ये वाला यहां पे आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा आपका एरो वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये जो दोस्तों एरो ऐसे बना है तो ये एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से आपका एरो आ जाएगा ठीक है देखिए एक बार और देख लीजिए इसका फिगर क्या होगा दोस्तों इस टाइप से आप इमेज बनाएंगे तो चतुर्भुज आपका कैसे होगा ऐसे हो जाएगा और ये जो दोस्तों एरो है लास्ट में है दाहिने साइड में तो ये कहाँ आ जाएगी बाएं साइड में और ये दोस्तों आपका है ये कहाँ पे है बाएं साइड में है तो ये आपका दाहिने साइड में इस टाइप से हो जाएगा पहले आप देखते चलेंगे इस टाइप से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो इस ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों तो आपको किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं पर सही हो जाएगा और किसी ऑप्शन में

उल्टा कर देना है जो दाहिने साइड में है उसको आपको बाएं साइड में कर देना है जो बाएं साइड में है उसको दाहिने साइड में कर देना है और आपका इमेज बनके तैयार हो जाएगा ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं काउंट करना है तो दोस्तों त्रिभुज के काउंटिंग संबंधित मैं एक वीडियो आपको कुछ दिन पहले दिया था जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड सारे प्रश्न बता दिया था कि कैसे काउंट त्रिभुज को करना है लेकिन इसमें भी बता देता हूं अगर कभी भी दोस्तों वर्ग में आपको त्रिभुज काउंट करना हो इस टाइप से फिगर बना हो तो हम बस काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स कितने मल्टीप्लाई कर देंगे दो का तो छुण दो बराबर बारह इसमें कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा बारह बारह किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बारह इसका सही हो जाएगा अगर जो दोस्तों इसी में कर दे और एक काट दे ऐसे लाइन बना दे अब इसमें कितने हो जाएंगे तब फिर से हम काउंट करेंगे, करेंगे एट इंटू टू आठ दुना का क्या हो जाएगा सोलह अब कितने त्रिभुज बनेंगे सोलह और भी संख्या जितना बढ़ा दे आपको कुछ नहीं करना है बस उसका दो गुना कर देना है उसका आंसर आ जाएगा तो इसका दोस्तों इसमें कितने हैं तो छे बन रहे थे तो छे दुना का बारह आंसर हो गया तो बारह किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न कह रहा है नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है जब संख्या एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी यह चीज बताना है ठीक है जब संख्या एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी तो एक दोस्तों पे 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 है इसके विपरीत सतह यानी पीछे वाली पे आपको बताना है जब एक ऊपर हो जाए तो नीचे कौन सी होगी ठीक है उसके विपरीत ही बताना है यानी सम्मुख पूछ ले विपरीत पूछ ले ठीक है या ऊपर पूछ ले नीचे पूछ ले मतलब कहने का मतलब है उसके विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे उसके दोनों सतहों पे देखेंगे कौन सी संख्या है क्या है दोस्तों दो सतह और पे छः और चार है छः और चार दोस्तों यहाँ पे भी देख रहे हैं इस वाले में भी है छः और चार छः और चार क्या हो गए कॉमन हो गए और एक का विपरीत क्या हो जाएगा यानी एक ऊपर होगा तो नीचे क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा पाँच किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे सेकेंडो नहीं लगेगा आप आंसर दे लेंगे तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों नवा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न कह रहा है एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दो गुने गलत करता है यदि उसने कुल अड़तालीस सवाल किए तो कितने सही हल किए देखिए दोस्तों ये मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है मैथ में भी पूछ लिया जाता है प्रश्न रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो इसमें को आप सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं क्या करना है प्रश्न को बस समझना है प्रश्न समझ गया तो समझ लीजिए आप सॉल्व भी कर लिए प्रश्न समझेंगे कैसे देखिए मानेंगे कोई एक विद्यार्थी कह रहे ना एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दो गुने गलत करता है यानी कि एक सवाल सही करता है तो दो सवाल क्या करता है गलत करता है ठीक है तो इसका रेशियो सही और गलत का क्या बन जाएगा वन इज टू टू का और उसने कुल कितने सवाल किए हैं अड़तालीस सवाल किए हैं तो कितने सही हल किए हैं तो दोस्तों रेशियो वन और टू का है तो दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा तीन रेशियो और सही का पूछ रहा है तो एक बटा तीन गुड़े अड़तालीस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा सही का आंसर आ जाएगा तो तीन से अड़तालीस कटाएंगे सोलह तो सोलह क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह सवाल उसने सही किए सोलह किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तो एक रेशियो किसके बराबर आ गया दोस्तों सोलह के अगर गलत पूछ लेता तो कितना हो जाता बत्तीस हो जाता तो क्या होता दो बटा तीन गुणे दो बटा तीन गुणे अड़तालीस तो पूछता तो 32, सही पूछता तो सोलह आते हैं तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे अगर जो ऐसे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या है दोस्तों आपको देखना है एक सवाल सही करता है दो गलत करता है यानी क्या होता है दोस्तों रेशियो कितने का वन ही का बनता है तीन का रेशियो बनता है तो तीन से आप क्या करेंगे दोस्तों अड़तालीस को भाग कर दे देंगे यानी कि तीन पार्ट में कर लेंगे तो सोलह तीन अड़तालीस हो जाएगा तो सोलह सवाल सही हो जाएगा तो बत्तीस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसे भी चाहे तो आप कर सकते हैं रेशियो से करेंगे सेकंडों में आंसर आ जाएगा अगर जो एक्स मान के करते हैं दोस्तों तो लंबा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे समझ गए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दसा प्रश्न है क्या कह रहे हैं दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण यानी कि लेटर्स लुप्त हैं लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने दिए गए विकल्प जो है इसी में से आपको चुनना है कि कौन सा सही होगा तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसको दो टाइप से करते हैं एक तो हम इसमें पेयर बना लेते हैं और दूसरा क्या करते हैं काउंट करके दोस्तों क्या करते हैं पेयर बनाते हैं पहला और दूसरा होता है देख के सेम संग सेम अक्षर जो जो ही दिया रहता है वो भर देते हैं तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों देख के ही भर देंगे तो देख के कैसे भरेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों डी है तो डी के पहले गैप है ना तो, तो डी के पहले कौन सी आएगी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो डी के पहले ए है और यहाँ पे दोस्तों देखें तो डी के पहले डी है ठीक है तो डी के पहले डी है और यहाँ दोस्तों डी के पहले ए है लेकिन डी के बाद स्थान खाली है, है ना यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों डी के पहले डी हो जाएगा यानी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ डी के पहले हम क्या भर देंगे डी भर देंगे अब देखिए फिर दोस्तों डी के बाद पूछ रहा है तो डी के बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे तो क्या है डी के बाद डी ही, ही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा फिर आगे देखेंगे दोस्तों सी के बाद सी के बाद यहाँ पे देखें तो सी के बाद पूछ रहा है तो सी के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें तो ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा फिर दोस्तों देखें तो यहाँ दोस्तों डबल डी जहां पे है उसके बाद क्या है दोस्तों डबल डी के बाद अगर जो दोस्तों देखे, तो यहाँ पे आपका डबल डी के बाद क्या बन रहा था दोस्तों सी बन रहा था ठीक है डबल डी के बाद सी बन रहा था और यहाँ पे भी दोस्तों डबल डी हो रहा था उसके बाद क्या, रहा था? बाद क्या बन रहा था सी बन रहा था तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि यहाँ पे सी तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी डी ए सी डी डी ए सी किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी में तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर जो ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो आप दोस्तों इसमें काउंट भी कर सकते हैं कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी कि कितने हैं बारह हैं तो बारह में तीन का जोड़ा बन सकता है या चार का या छ का इसका जोड़ा बन सकता है या दो का बन सकता है ठीक है लेकिन इसमें हम तीन का देखें तो तीन का दोस्तों आप करेंगे तो आपका ए सी डी सी ए डी फिर ए सी डी फिर डी डी हो जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा लास्ट में तो ऐसे नहीं बनेगा तब क्या करेंगे ए डी डी सी किसका बनेगा दोस्तों ए देखिए एक बार और समझा देता हूँ इसमें किस टाइप से आपका पेयर बन रहा है तो ए डी डी सी देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी डी सी हो जाएगा फिर यहाँ पे दोस्तों भरेंगे ए डी डी सी हो जाएगा और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा लास्ट में ए डी डी सी ये वाला फिगर बनेगा यानी कि ऐसे आप जोड़ा बनाएंगे तो आपका पेयर बना लेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे और सारे प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से होगा यहां पे क्लिक करके दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी आपके पास दोस्तों स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों आप वहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेलाइकन का सिंबल बनेगा बेलाइकन पर भी प्रेस करके बेलाइकन को भी ऑन कर लीजिएगा इससे क्या होगा दोस्तों आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों